और बेसमेंट की। तो गाइस यार वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का अंशु बिष्ट में, और आज यार डिटेक्टिव अंशु बिष्ट के ऑफिस में आया है एक बहुत खतरनाक केस। तो एक जंगल है जहां पर हमें इन्वेस्टिगेट करना है यार कि वहां जंगल में क्या हो रहा है, वहां लोग गुम हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि वहां पर लोग जाके खो जा रहे हैं। तो आज हम लोग इन्वेस्टिगेट करना है कि वहां पे चल क्या रहा है। बट उससे पहले यार जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक मार देना, 1.5 लाख लाइक का गोल लगा रहा हूं तुम्हारा भाई, बाकी यार तुम्हारे हाथ में, करना नहीं कर देखो कर देना। और जब भी नया जल्दी सब्सक्राइब कर दो गाइस, 1.2 मिलियन के हम लोग पास आ चुके हैं यार, सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर्स और चाहिए। जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल, इट विल मीन अ लॉट। और बाकी यार चलते हैं वीडियो की तरफ को। ओके, तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने ऑफिस में और अब देखते हैं सबसे पहले यहां पर क्या लिखा हुआ है। प्रेस द स्टार्ट बटन टू स्टार्ट द गेम। अच्छा नहीं, रुको, यू मस्ट रीड माई इन्वेस्टिगेशन रिटन बुक एंड रूल्स। ओके ठीक है, बुक पढ़ लेंगे हम लोग। मुझे बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू शुड टेक योर पिस्टल विद यू। ओ थैंक यू भाई बताने के लिए। मैंने तो अंदर रख दी थी ना, अब रख लेता हूँ। दिस मैप इज क्रिएटेड बाई बांग्लादेशी क्रिएटर्स। भाई ये भाई हमारे पड़ोसी देश वालों ने ही बनाया है यार। ओके स्टोरी, यू आर एन इन्वेस्टिगेटर। मुझे बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आई एम अ वर्ल्ड क्लास इन्वेस्टिगेटर। ओके, You are going to investigate a haunted forest. ये कुछ ना है। You have written an investigation book. Okay, मैं बहुत सारी बुकें लिखता हूँ जो मैं मुझे खुद नहीं पता होता मैंने कब लिख दी है। Take it from the chest below and read it. Okay, देखते हैं। Ooh. Okay, sir. अरे मारू कैसे इससे? ऐसे फेंक के मारूंगा क्या किसी को? Okay, देखते हैं। My investigation. चलो ये देखते हैं क्या है। Investigation about छोटो गाँव। छोटो गाँव हॉन्टेड फॉरेस्ट। देर वॉज अ विलेज नेम छोटो गाँव, इट वॉज ऑलमोस्ट इन साइड अ फॉरेस्ट। ओके, तो अब मेरे समझ में आया। तो कहने का मतलब है कि आज जिस जगह पे हम लोग जाने वाले हैं गाइज, वहां पर यार 80 साल पहले एक विलेज हुआ करती थी जिसके सारे लोग एकदम से गायब हो गए थे, और उसके बाद वहां पर एक नया छोटा गाँव करके एक जगह बनी जहां पर कुछ स्टूडेंट्स गए, और वो स्टूडेंट्स में से सारे स्टूडेंट्स गायब हो गए जो जंगल में गए। सिर्फ दो बचे, एक पागल और एक बंदा जो कॉन्शियस था, उसने बोला कि उसने भूत देखे हैं। पर लोग बोल रहे हैं कि वो लोग गए थे तो उन्होंने कुछ कैंप्स देखे जहां पे इलीगल वेपन्स थे। ये लग रहा है ना अब मेरे टाइप का केस थोड़ा। तो हम लोगों को यार आज छोटो गाँव की तरफ से जाना पड़ेगा, क्योंकि नया छोटा गाँव जो था वो तो गवर्नमेंट ने कब के बंद कर दिया था, तो बहुत खतरनाक सीन होने वाला है। तो गाइस इट्स टाइम। ओके, उन्होंने बोला था कि हमारी बंदूक रख देते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बंदूक को मैं अभी के लिए यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। ऐसे एकदम से अगर बाई चांस कोई गुंडा की तो देखा, भले इतनी तेज नहीं निकली, अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो ये सही है, पर मैं यहाँ रखने नहीं वाला, तुम मजे मत लो ज्यादा मेरे से। चलो, वार्निंग द मैप कंटेन्स ब्रूटल जंप स्केयर्स। ओके भाई डराओ मत यार। TH Antu presents टेरिबल जंगल अ माइनक्राफ्ट हॉरर मैप। भाई मुझे किसी ने नहीं बताया था कि ये हॉरर मैप है, क्रिएटेड बाय TH Antu एंड जुबेर भाई। जुबेर भाई तुमने ये क्यों नहीं बोला ये हॉरर मैप है? मुझे लगा मैं बस इन्वेस्टिगेशन करने निकला हूँ। ओके भाई माइनक्राफ्ट में भी डराओगे क्या यार? ऐसे मत करो यार, मुझे बहुत डर लगता है भूतों से। ओके पहले इन घरों में देख लेते हैं। आई थिंक हम लोग छोटो गाँव में। ओके नाइस स्टिक्स एप्पल। एक मिनट, हम लोग इसमें क्राफ्टिंग भी कर सकते हैं क्या? बेड भी ले जा, नहीं एक्चुअली हम लोग नहीं ले जा सकते। ओके हम लोग को बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा गाइज। ये वही छोटो गाँव है जहाँ से सारा का सारा विलेज एक साथ जादू से गायब हो गया था। भाई रास्ता तो एकदम सीधा सीधा जा रहा है, बट ओ पैसा, ओ ये बेबी। गवर्नमेंट के लिए काम नहीं कर रहे तो गाइस कोई पैसा नहीं दे रहा है मेरे को यहाँ आने का, वो तो बच्चे बचाने हैं, मैंने तब आया हूँ मैं यहाँ पे। ओ ओ ये तो भूलभुलैया जैसी यार। अगर किसी चीज ने मेरे पर एकदम से झपट्टा मारा ना, भगवान कसम कह रहा हूँ मैं रो दूंगा भाई मत। Whenever life gives you two option, always take the right one. Oh, ये क्या है भाई? Oh, wooden axe, oak wood. ये सब क्या दे रहे हैं हमें? हम लोग place कुछ नहीं कर सकते, okay? और ना ही हम लोग इससे ज़्यादा बाहर निकल सकते हैं। हाँ हम लोग यहाँ भी नहीं चढ़ सकते हैं, okay? हम लोग ना कुछ प्लेस कर सकते हैं, हम लोग ना चढ़ सकते हैं, बट हम लोग को एक एक्स मिल गई है। क्या इस एक्स से मैं ये तोड़ सकता हूँ? नहीं हम लोग कुछ भी नहीं तोड़ सकते, तो एक्स किस बात की दी है भाई? भाई सजाने के लिए दी है क्या एक्स?
एक मिनट, क्या पता हो मॉन्स्टर्स को मारने के लिए दियो, क्योंकि मेरे पास अभी गोलियां नहीं है गाइस। तो मैं बंदूक लेके तो चल रहा हूँ बट मेरे पास गोलियां नहीं है। गाइस मुझे कुछ दिख रहा है। ओ क्या ये वही बुद्धा टेम्पल है? ओ ओह जय हो बुद्धा जी की। ओ भाई गाइस पहले माथा टेक लेते एक बारी। जय हो भाई। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे कुछ तो होगा भाई। उनने बोला था कि पहले हमें बुद्धा टेम्पल पे जाना है, उसके बाद ही हम लोग कहीं पे जाएंगे। एक मिनट ये क्या है? ओके मे बी कहीं पानी के अंदर से कोई रास्ता तो नहीं है भाई। मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ तो हम लोग कर सकते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट हेयर फॉर लाइक बस है करके। तो चलो हम लोग आगे को बढ़ते हैं। यार मेरे को नहीं लगता कि बुद्धा टेम्पल पे हम लोगों को कुछ भी मिलेगा, मतलब स्टैचू पे हमें कुछ भी मिलेगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मे बी वो बस रास्ते में एक स्टैचू था। ओके फिर से गाइस रास्ता जा रहा है। ओ ये रास्ता कहीं नहीं जा रहा है, बट ये रास्ता कहीं तो जा रहा है ब्रो। ओ टेम्पल का मैप मिल गया गाइस हम लोगों को। लेट्स गो, हम लोगों को उस टेम्पल तक जाना है। वाओ ओके तो मैं इस रास्ते से भी जाऊंगा ही जाऊंगा यार। पास मत आना, मेरे हाथ में बंदूक है, मैं बता दूंगा, गोली डाल दूंगा यहीं पे अभी, जो भी भौंका अभी। ओ अच्छा हुआ मैं इस साइड को आया गाइस। यहाँ पर दो दो चेस्ट। ओ वाओ ओ खाने को खाना मिला भाई। मतलब कैसा इन्वेस्टिगेटर हूँ मैं, खाने को खाना नहीं लाया अपने साथ। बहुत बढ़िया भाई। चलो हम लोगों को गाइस यहाँ पर से एक और बुक मिली है, पहले ये बुक पढ़ लेते हैं ठीक है। ओ तो ये साजिब भाई भी उन सात बंदों में से एक है। सात बंदों में से एक है। तो गाइस ये बंदा अपने दोस्तों के साथ एक पॉन्ड में गया था, जो कि ये पॉन्ड है, ये देख रहे हो तुम लोग इस सेंटर पे, और ये ही पॉन्ड हम लोगों को टेम्पल तक ले जाएगा। बट तुम लोग ध्यान से देखोगे ना तो स्टैचू के बाद कोई भी रास्ता खुला नहीं है। तो हम लोगों को स्टैचू के कहीं आसपास से कोई छेद ढूंढना पड़ेगा, जिससे हम लोग सीधे कनेक्टेड ये पॉन्ड में निकलेंगे। ओके तो अच्छा हुआ मैं इस साइड का आया, वरना मुझे कभी पता ही नहीं चलता यार। ओके चलो वापस से हम लोग चलते हैं। और यहाँ पर ना हम लोगों ने आवाज़ भी सुनी, तो हमें थोड़ा ध्यान से भी रहना पड़ेगा गाइस। हम लोगों को एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा गारंटीड इस स्टैचू के। ओह ये रहा। ओके हम लोग को जल्दी तैरना पड़ेगा, इससे पहले हमारी सांस फूल जाए। ओके तो ये तो बगल में ही था यार, मेरे को लगा बहुत दूर ना निकले। ओके तो हम लोग उस पॉन्ड में आ गए गाइस, जिस पॉन्ड में हम लोगों को बोला था कि इसके बाद टेंपल है। डरता नहीं हूं मैं, आ जाओ जिसको आना है। ये ब्रिज की हालत क्या कर दी है भाई, टोड़ टाड़ के कौन ब्रिज टूट गया गाइस, वापस नहीं जा सकते। एक मिनट मैं इन्वेस्टिगेटर हूं। ब्रिज टूट गया गाइस, हम लोग अब वापस नहीं जा सकते। जो भी छुप रहा है इसके अंदर, मैं इन्वेस्टिगेटर अंशु हूं, डिटेक्टिव अंशु, अपने हाथ ऊपर करके बाहर निकलो। देखो मुझे डराने की जरूरत नहीं है भाई। एकदम से म्यूजिक इतना खतरनाक कैसे हो गया यार। ओ मछली, यस भाई यहां से इतनी गंदी आवाजें क्यों आ रही है यार। एंटर द बेसमेंट की बिलो। ओ खाना है। ओ ये है एंटर द की। ओके यहां पर हमें बेसमेंट की डालनी है, बट बेसमेंट की हमारे पास है नहीं। हम लोगों को गाइस एक और बुक मिली है। हम लोग ये दो बुकों को पहले साइड कर देते हैं और इस बुक में देखते हैं। ये लोगों ने आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रैंक करा, कि इन लोगों ने लाइक कोई इनका दोस्त था दास करके, उसको डराया और वो इस टेम्पल से भाग गया। लाइक इससे मुझे कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली। ओके एक और बुक है, नाइस भाई। चाबी दो, चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है गाइज। हम लोगों को कोई भी चाबी नहीं मिली यहाँ पे, पर हम लोग याली बुक भी पढ़ते हैं। तो इनका जो दोस्त दास था, जो भागा था भाई, वो मर गया थोड़ी देर बाद, और उसकी बॉडी जो थी वो किसी पेड़ से लटका दी थी किसी ने। और इन लोगों को लगा कि वो भूत है, और मुझे भी लग रहा है कि वो भूत ही होगा, क्योंकि ऐसा घिनौना काम कौन कर सकता है यार। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, और मेरे को कोई भी अभी तक का यार बेसमेंट की नहीं मिली है। तो दोस्तों मेरे को बेसमेंट की तो नहीं मिली, पर मेरे को एक नया रास्ता मिला है, जो कि मैप में भी नहीं है आई गेस, या फिर है। ओके
हाँ नहीं नहीं हम लोग मैप से बाहर जा रहे हैं यार, तो वी आर नॉट श्योर हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और बेसमेंट की भाई ये गेम मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये सही में स्कैरी गेम हो गया है भाई। अब मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। अरे भाई ऐसे मत दौड़, मैं बता रहा हूँ तेरे को, कोई भी है तू ऐसे मत दौड़ भाई ये यहाँ से। वो भाई मैं उस साइड नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा उस कमरे के अंदर भाई, मैं जा रहा हूँ उल्टा, मैं नहीं जा रहा उस कमरे के अंदर भाई। भाई वो जो भी था, वो जो भी है मुझे नहीं पता भाई, वो वहीं घुसा है और यह घुसी है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जा रहा उस साइड, भूल जाओ भाई। ओके मैं यहाँ तो गलती से भी नहीं जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ उस, मेरे पीछे आ रही क्या, मैं जा रहा हूँ इसके अंदर, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ भाई, वहाँ वो खड़ी है। ओके दरवाजा बंद कर दो पहले। ओके की मिली भाई, मैं कैसे निकलूँ यहाँ से बाहर यार, मुझे निकाल दो प्लीज। मतलब मैं समझा नहीं भाई क्या बंदा है भाई, इसने बोला मैं समझाऊंगा, कुछ भी नहीं समझाया इसने, सिर्फ कोई दौड़ रहा है क्या बाहर। हे भगवान प्लीज, भगवान प्लीज मैं दरवाजा खोलूं और इस दरवाजे के बाहर ना हो प्लीज। ओके थैंक यू। कुल्हाड़ी लेके चलनी पड़ेगी, मेरे पास गोलियां नहीं है गाइस, और मैं क्या गोलियां, क्यों गोलियां यार, मेरी जितनी फट रही है ना, मेरे को पता है वहां पर कुछ तो सामान पड़ा होगा जहां पर वो खड़ी है भाई। मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ, पर वहां पर कुछ तो ऐसा सामान होगा जो हमारे यूज का होगा भाई, वो खड़ी है पर जाना तो पड़ेगा। जय माता रानी, 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 जय माता रानी। मैं गेम रात के 1 बजे क्यों खेल रहा हूँ भाई, ये माइनक्राफ्ट है यार, इसमें मजा आना चाहिए भाई, फटनी नहीं चाहिए जैसे हो रहा है मेरे साथ। मेरे घर वाले थोड़ी देर बाद यहाँ के मेरे को बोलेंगे घर से निकल जा दोस्त, तू नहीं है पालने लायक, तू चला जा घर से, बोलेंगे थोड़ी देर बाद मेरे घर वाले। बस यही रीज़न है मैं हॉरर गेम्स नहीं खेलता कभी भी, मेरी बहुत पड़ती है यार हॉरर गेम से। और अब वो चुड़ैल बेसमेंट पे भी पहुंच गई होगी, मुझे पता है ना, मुझसे पूछो भाई। देखो दीदी, अगर तुम मुझे डराने के लिए किसी भी कोने में बैठी हो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। मैं खरीद द कावर्डली डॉग का छोटा एक मिनट, मैं कुत्ते का भाई थोड़ी ना, मतलब मैं उसका बड़ा मालिक हुआ, मैं बता रहा हूँ तुमको अभी। कुछ खुला, अगर ये मेरे ऊपर दोबारा से चिपट गई ना यार, मैं ये गेम फेंक दूंगा भाई, मैं फेंक दूंगा इस गेम को, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर ये चुड़ैल मेरे पर चिपट गई ना, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, हद हो जाएगी भाई, हद हो जाएगी। सामान, ढेर सारा सामान। दरवाजा बंद करो। ओह कार 98। ओ भाई अबे ये क्या है, गोली चलेगी कैसे भाई, यहाँ पर तो हथियारों की प्रॉपर डीलिंग होती थी। सब रख लो भाई, सब रख लो, हम बेचेंगे ना बाहर जाके अगर निकल गए तो। क्या तुम भूतनाथ जैसी फ्रेंडली चुड़ैल नहीं हो सकती क्या? ओ एग्जिट, ये कहाँ गया मैं, और ये क्या हो रहा है? ओ अ गिफ्ट फॉर यू बाय योर डेथ, डू यू नो व्हाट यू हैव डन, आई एम फ्री नाउ थैंक्स टू यू। हा 6 years अगो A tantric came here in the forest. He said that he was sent by Sanjeev and he had come here to kill me. But he couldn't kill me.
Then he sealed me in the basement with a curse. Though I couldn't kill anyone because of that curse, I had enough power to trap someone inside the forest. And I trapped you. The last diary that you read was written by me on this day. You are the one who opened the basement and let me free from that curse. So I will let you go. There is an exit door in this little house. You can go. सीरियसली ये मजाक हो रही है सच हो रहा है अगर ये छुड़ ये कौन है ओ ये संजीव वो है क्या संजीव का दोस्त दास ओ भाई इसकी तो हड्डी मिल गई ए हमको जाने दे रही है वो हाँ आई चेंज माई माइंड नहीं 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 तो गाइज अब चुड़ैल से सीधे 1v1 होने वाला है आई गेस उसने हमें फंसा दिया उस फॉरेस्ट में अगर तुम लोग इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हो जिसमें मैं इस जंगल से कैसे भी निकलूं या फिर पता नहीं क्या करना पड़ेगा मुझे वो देखना पड़ेगा लेकिन तुम लोगों के हाथ में है यार अगर तुम लोग इस वाली वीडियो पे 200,000 लाइक कर दे तो भाई मैं इसका सेकंड पार्ट तुम लोग लेके आ रहा हूं नो डाउट और मुझे बताना कि क्या तुम लोग हॉरर गेम्स देखना चाहोगे मेरे चैनल पे क्योंकि मैं तुम्हें सच्ची बता रहा हूं मेरी बहुत ज्यादा फटती है हॉरर गेम से लेकिन मैं खेलूंगा अगर तुम लोग देखना चाहोगे और वो मुझे पता चल जाएगा अगर इस वाली वीडियो पे 200,000 लाइक्स हो जाते तो बाकी यार गाइस 1.2 मिलियन के बहुत क्लोज आ चुके हैं जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों मिलते हैं बाय बाय।